जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार 16 जनवरी 2022 है। श्री जी की नगरी में आज वीकेंड कर्फ्यू है। आइए मंगला के भाव दर्शन से प्रारंभ करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के विहंगम दृश्य हैं। समय प्रातःकाल 8 से 9 बजे के बीच का है। इस दौरान समग्र नगरी गहरे कोहरे के आगोश में रही। जिस जगह से आप यह दृश्य देख रहे हैं वहाँ से समग्र नाथद्वार दिखाई देता है, लेकिन कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी थी और सामने के दृश्य कुछ इस प्रकार से थे। आइए झरोके से आप भी झांकिए और स्वयं को श्री जी की नगरी में महसूस करते हुए नगर भ्रमण कीजिए। कहीं कहीं से कुछ लैंडस्केप जरूर नजर आ रहे हैं। प्रातःकाल जब इस प्रकार का मौसम था तो एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि इस वर्ष तो श्री बद्रीनाथ जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने ठाट बाट से विराजे हैं। उनका यह कथन पुष्टि साहित्य के अनुसार था, जिसमें श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को श्री बद्रीनाथ जी ने यह आज्ञा की थी कि आप यहाँ न पधारें, पौष के माह में मैं पधारूंगा श्री जी के दर्शन करने के लिए। और इस बार इस माह में नाथद्वारा वासियों सहित वैष्णवों ने इस प्रकार के दृश्य कई बार देखे हैं और श्री बद्रीनाथ जी की वाणी को चरितार्थ होते हुए देखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ का तापमान पिछले 3 दिनों से 0 डिग्री के आसपास है। यह नाथद्वारा के मार्गों के दृश्य हैं, बाजारों के दृश्य हैं। समय वही है, कोहरे का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी कितनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ और मौसम थोड़ा साफ हुआ। एक संदर्भ और भी है, आज नाथद्वारा में कोरोना के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू भी है। कारण है जिले में निरंतर बढ़ते हुए कोरोना के मामले। चिकित्सा विभाग द्वारा आज 16 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार राजसमंद जिलों में 180 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो अभी तक के इस दौरान के सर्वाधिक मामले हैं। इसी के चलते लगे इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान के आज के यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नकारखाना द्वार के दृश्य हैं। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए आज पूर्णतः बंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी हैं, दरवाजे बंद हैं और सारा चौक मार्ग आदि खाली पड़े हुए हैं। हालांकि नगर में वैष्णव ठहरे हुए भी हैं, क्योंकि कल पूर्णिमा है और कई वैष्णव पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करते हैं। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं प्रशासनिक छूट के कारण सुलभ हो पाई हैं। उन्हें होम सर्विस के तहत यह सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जैसे जैसे कोहरा छटा वैसे वैसे दृश्य भी सामने आने लगे। यह मंदिर चौक है जो नगारखाना के बाहर स्थित है और लाल दरवाजा के अंदर है। इन दृश्यों में वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद भी कहीं कहीं लोगों की आवाजाही भी दिखाई दी, लेकिन मंदिर परिसर में केवल सेवा कर्मी ही जा पाए, किसी को भी दर्शन सुलभ नहीं हो पाए। यहाँ सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। वहीं
प्रभु श्री जी के मंदिर का प्रसाद जिन दुकानों पर बिकता है उन प्रसादियों की दुकानें अवश्य खुली रहीं, जहाँ से स्थानीय निवासी एवं वैष्णवगण प्रभु का प्रसाद लेते हुए नजर आए। परंतु प्रसाद विक्रेताओं की माने तो आज प्रसाद बहुत कम बिक पाया, क्योंकि कुछ ही लोग प्रसाद की दुकानों तक पहुंच पाए थे और कईयों को जानकारी भी नहीं थी कि इस प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि सब्जी विक्रेता तथा दूध आदि के उत्पाद विक्रेताओं की दुकानें भी खुली हुई थीं। वहीं शीत के प्रभाव से मंदिर में सेवाकर्मी परंपरागत वेशभूषा में बचाव करते नजर आए तो कहीं अलाव तापते हुए लोग भी दिखाई दिए। लाल दरवाजे से दृश्यों के पश्चात अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं यह प्रीतम पोल द्वार की तरफ से है। यह खेड़ा देवी के मंदिर के दृश्य थे जहां पर पुजारी आरती कर रहे थे और यह सुनसान बाजार प्रीतम पथ बाजार है। यह देखा गया कि जिन वस्तुओं के लिए दुकानों को छूट दी गई थी उसके अलावा लगभग सभी दुकानें बंद ही रहीं, और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ऑफ सीजन होने तथा वीकेंड कर्फ्यू होने से अधिकांश व्यापारी बंधु एवं समाज के अन्य वर्ग के लोग आज मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर भी गए और वहाँ पर शीतकाल के व्यंजनों का आनंद लिया। यह चौपाटी है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह कर्फ्यू के समय के दौरान के हैं और कई लोग तो आराम से बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। इस वीकेंड कर्फ्यू का उपयोग करते हुए प्रशासन ने भी मंदिर मार्ग को चौड़ीकरण करने का कार्य तेज गति से आज चालू कर दिया, जहां पर पुराने निर्माणों को तोड़ा जा रहा है जो आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह चौपाटी से श्रीनाथजी मंदिर वाला मार्ग है और काफ़ी संकरा है। इसे 10 फुट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित था, जिसका काम पिछले दिनों से ही प्रारंभ हो गया था। आज यह तीव्र गति से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान इस मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और जानकारी के अनुसार जब तक यह डिमोलिशन का कार्य चलेगा तब तक यह मार्ग बंद रहेगा। दर्शनार्थियों को वैकल्पिक मार्ग से आना जाना होगा। इस स्थल पर जिन लोगों की दुकानें हैं और जिनके भवन हैं वे लोग भी देखने के लिए आए और उपस्थित रहे, तथा कुछ सामान होने पर कुछ लोग उन सामानों को हटाते हुए भी नजर आए। यह मार्ग चौड़ा होने से कुछ सुविधा तो बढ़ेगी ही, खासकर इस मार्ग से आवाजाही में। विशेष सूचना यह है कि 30 तारीख तक आने वाले प्रत्येक रविवार को नाथद्वारा में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और इसी कारण से प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर भी दर्शनार्थियों के लिए रविवार को बंद रहेगा। 30 तारीख के पश्चात जो सरकारी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा और उसी अनुसार व्यवस्था रहेगी। लेकिन ये दृश्य बताते हैं कि हम सावधान नहीं हैं, कर्फ्यू में भी ये हाल है। आप देख लीजिए, नगर के अन्य मोहल्लों कॉलोनियों तथा बाजारों में सूनापन दिखाई दिया। अधिकांश जगह सभी दुकानें बंद ही नजर आईं। यह थे प्रभु श्री जी की नगरी से ताजा दृश्य वीकेंड कर्फ्यू के दौरान के। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। भाव कीर्तन राग धनाश्री में है। ऐच्छिक श्रृंगार के तहत श्री जी में आज लाल रंग की सिल्मा सितारा के कसीदे के जरदोशी के काम वाली एवं हाशिया वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है, तो चरण चौकी के साथ पड़घा बंटा आदि सभी स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं, तो सम्मुख में धरती पर त्रिष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा के तहत श्री जी को आज लाल साटन पर सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। पटका केसरी मलमल का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र आज प्रभु को हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आवरण पन्ना के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर गोल पाक के ऊपर सिरपेच, गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्णफूल की एक जोड़ी धराई जाती है, तो फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के फिरोजा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि भी हरे मीना के ही धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल व गोटी चांदी की आती है। आरसी प्रभु को नित्यवत दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में कमल सी अखियां लाल तिहारी, राजभोग में नैनन सोहे कजरा, आरती में छबीले तरुण मदमाते, शयन में आज सुहावनी रात, मान के पद में कितलाई इह गलियन, पोड़वे के पद में रंग महल सुखदाई, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो सभी दर्शनों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Thank you.
कलसी अर्किया सिहारे कमलसी लाले तिहारे तीन सौ तक तीर चला कमलसी अर्किया।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।